रिकॉर्डिंग का परमिशन दे दीजिए सर। आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में वीवीएम माइक्रो प्रोग्रामिंग में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सीड के बारे में, और सीड से रिलेटेड हम एक इवेंट करने जा रहे हैं। ये इवेंट भी वही है जो कि हमारे लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कस किया था वही है, लेकिन जो थोड़ा सा मैंने एडवांस इसमें मैंने किया है। तो क्या है कि मुझे एक फोल्डर के अंदर में 12 फाइलें बनानी है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि मुझे जी ड्राइव के अंदर 2020 के अंदर मुझे इसमें 12 फाइलें बनानी है। जी हाँ, 12 फाइलें जनवरी से लेके दिसंबर तक की। ओके, और इन 12 फाइलों के अंदर में मुझे उसके महीने के हिसाब से सीट इंसर्ट करने हैं। तो समझ में आया क्या करना है? सो जी सर, क्लियर। मतलब कि मुझे अपना 12 फाइल क्रिएट करना है। क्या करना है? 12 फाइल, और हर फाइल के अंदर उस महीने उसमें जितना महीना होगा उसके हिसाब से सीट इंसर्ट करना है। जैसे कि जनवरी है, जनवरी में 31, फरवरी है तो फरवरी में 28, 29 और मार्च में 31, इस तरह से बनाना है। जितेंद्र जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? और आज हो सकता है कि मेरी वॉइस थोड़ी सी ब्रेक हो, जैसे बताया मैं कि मैं डोंगल यूज कर रहा हूँ, मैं रीसेट आंधी के कारण जगह से हिल गया है, तो अगर दिक्कत होगी तो दोबारा पूछ लीजिएगा। तो हम चलते हैं डेवलपर के न्यू रूल विजुअल बेसिक पे, इंसर्ट मॉड्यूल्स। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मुझे 12 फाइलें बनानी है, तो हम पहले 12 फाइलों का माइक्रो तैयार करते हैं इसमें। तो जैसे कि हमने बोला कि मुझे करना है यहाँ पे कि वर्क बुक्स डॉट एड डॉट सेव एज, और सेव एज में हमें देना है लोकेशन, जो हमारा फोल्डर लोकेशन है ए। और इसमें जो फाइल का नेम होगा, तो मैं दो तरीके से बना सकता हूं कि मैं यहां पे 1.xlsx कर सकता हूं। अब इसी तरह से मुझे इस लाइन 12 लाइन लिखने पड़ेंगे, ठीक है सर? तो यहां पे 12 लाइनें लिखनी पड़ेगी। यहां पे एक्टिव वर्क बुक्स डॉट और इस पे फिर ये 2 हो जाएगा, फिर यहां पेस्ट करूंगा, फिर ये 3 हो जाएगा, ये तो कॉम्प्लिकेटेड हो गया ना सर। इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है लूप। मतलब कि मुझे इस कोड को 12 बार रन करना है। कितना बार रन करना है? 12 बार रन करना है। तो हम यहाँ पे लूप, इस कोड को लूप के अंदर में डाल देंगे। हम लिखेंगे कि फोर आई इक्वल टू चले 1 to 12, और फिर यहाँ पे हम नेक्स्ट आई कर देंगे। तो इसका यूज मैं क्या बेनिफिट बताता हूँ आपको, मैं एक मैसेज बॉक्स में इसको बताता हूँ अलग से। यहाँ पे हमने एक मैसेज बॉक्स को 12 बार शो करना है, तो 4 हमने लिखा i इक्वल टू चले 1 to 12, मैं 1 to 5 ही करता हूँ, और नेक्स्ट i, मतलब कि नेक्स्ट और 4 के बीच में कोड लिखना था जिसको रिपीट करना है, तो msg बॉक्स में i दे दिया। अब i क्या है? इससे पहले जो मैंने जो abcdxyz लिया था वही आपका i है। उसी तरह से आई भी है कि आप अपने हिसाब से चीजें ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो यहां पे अगर मैं इसको रन करूंगा तो देखिएगा कि 1 by 1 आएगा कि आई पहला 1 आ गया, दूसरा आई 2 है, तीसरा आई 3 है, चौथा 4 है और 5 है। तो इस मैसेज बॉक्स को 5 बार रन कराया और आपने देखा कि हर बार
आई अपना रिजल्ट इंक्रीज करता है। फिर से दोबारा देख लीजिए, पहला बार आई वन है, दूसरा बार आई टू है, तीसरा बार आई थ्री है, फोर है, फाइव है, सिक्स, इस तरह से हर बार अपना आई चेंज करता है। उसी तरह से ए भी इस कोड को बार बार रन करेगा। अब यहां वन के जगह पे जो वन है, इस वन के जगह पे हम क्या कर लेते हैं, आई को ले लेते हैं, लेकिन ऐसे नहीं लेंगे, हमें इसको कॉनकेटा नेट में रखना पड़ेगा, कॉनकेटा नेट, और इसको भी हमने सेलेक्ट कर लिया, राइट। मैं सर, यस सर, क्लियर है। इस माइक्रो को मैं रन करता हूं, मतलब कि मैं माइक्रो में जाकर रन करता हूं मैं प्रोजेक्ट वन को, तो उस लोकेशन में 12 फाइलें क्रिएट हो, वन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इस तरह से कंटिन्यू है। अब मैं बार बार काउंट नहीं कर रहा, बट ऐसे ही होगा। ठीक है, अब आप देखेंगे फोल्डर में कि 12 फाइलें क्रिएट हो गई, लेकिन इसका नाम 1, 2, 3, 4, 5 के हिसाब से है, राइट। लेकिन मैं चाहता हूं नहीं, ये जैन, फेब, मार्च, अप्रैल इस तरह से मिले, समझे। तो क्या करेंगे, तो वीवीए का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है मंथ नेम। तो मुझे यहां पे ही जाना पड़ेगा कि मंथ नेम, नेम, और यहां पे हमने कॉमा, मान लीजिए मैं ट्रू करता हूं इसमें, क्या होगा। अब मैं इस एक बार इसको दोबारा रन करता हूं, तो मंथ नेम क्या करेगा, वन को जनवरी, टू को फरवरी, थ्री को मार्च, फोर को अप्रैल, इस तरह से कन्वर्ट कर देगा। मंथ नेम का काम यही है वीवीए में। तो फोल्ड क्रिएट हो रहा है, सेव हो रहा है, क्लोज हो रहा है, क्रिएट हो रहा है, सेव हो रहा है, क्लिक क्लोज हो रहा है, और देखिए आ गया। हमने यहां पे ट्रू किया था, अगर मैं फॉल्स कर देता ना ट्रू की जगह पे, तो क्या होता, जनवरी पूरा आता, फरवरी पूरा आता, क्लियर है। तो ये कोड समझ में आ गया सबको, जी सर। अब दूसरा बात आती है कि क्लोज होने से पहले, क्लोज होने से पहले मुझे इसमें मंथ के हिसाब से सीट ऐड करना है, मंथ के हिसाब से क्या ऐड करना है, सीट ऐड करना। ऐसे करें तो किसी किस महीने में कितना डेट है, मान लीजिए मैंने यहां पे अगर जैन लिख दिया, तो इसमें कितना दिन है कैसे पता चलेगा। तो पहले तो हम इसको कॉनकेटा नेट करेंगे, और कॉनकेटा नेट करके इसका एक डेट बनाएंगे, डेट बना दिया। फिर हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ईओ मंथ का, जो कि बताता है कि इसमें कितने, इसका लास्ट डेट क्या है। एक फॉर्मूला होता है डे का, जो बताता है कि इस डेट में, इस डेट का डेज क्या है। 31 पता चल गया, तो ये कैसे निकलेगा, चलिए तो एक वेरिएबल ले लेते हैं, मान लीजिए डे के नाम से, डी के नाम से, यहाँ पे देते हैं डे में इसमें डेट चाहिए होता है। अब मैं यहां पे ईओ मंथ लगाऊंगा, ईओ मंथ। अब क्या है कि कुछ फॉर्मूला, एक्सेल के फॉर्मूले वीवीए में डायरेक्ट सपोर्ट करते हैं, जैसे कि आपने डे को देखा, तो डायरेक्ट सपोर्ट करता है, कैसे पता चला कि आपको नीचे एक्सप्रेशन आ गया। बट कुछ फॉर्मूले वीवीए को डायरेक्ट सपोर्ट नहीं करता, जैसे कि ईओ मंथ, देखा आपको नीचे एक्सप्रेशन नहीं आया। इसका मतलब ये नहीं है कि ये फॉर्मूला वीवीए में अप्लाई नहीं की जा सकती, अप्लाई की जा सकती है, बट इसको लाइब्रेरी से कॉल करना होगा, तो इसका पूरा पास देना पड़ेगा कि एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट ईओ मंथ। अब इसमें डेट चाहिए, तो डेट में हमने दे दिया 1- और फिर इसके साथ हमने इसमें मंथ नेम दे देता हूँ, मंथ नेम, और इसमें मंथ नेम में हम दे देते हैं आई को कॉमा ट्रू,
और फिर इसके साथ हम कंबाइन कर देते हैं अपना ईयर 2020 मंथ नहीं, ईयर मंथ को यहाँ पे क्लोज करते हैं, जीरो करते हैं यहाँ। तो ये फॉर्मूला क्या करेगा, ये फॉर्मूला क्या करेगा, सबसे पहले तो चलेगा ये आपका मंथ नेम का फॉर्मूला, जो कि ये बताएगा कि अगर ये I1 है, पहला बार चल रहा है तो I1 होगा, तो ये जैन में कन्वर्ट कर देगा, जैसे कि ऊपर कन्वर्ट कर रहा है। फिर कॉन्कैटेनेट होके 1 जैन 2020 का डेट बनेगा, फिर ईओ मंथ इसको इसके लास्ट डेट में कन्वर्ट करेगा, मतलब कि 31 जनवरी। फिर उस 31 जनवरी को, जो 31 जनवरी है, उस 31 जनवरी से 31 को अलग करके डी पे स्टोर करेगा डे। ये समझ में आ गया आप लोगों को सर, कोई डाउट इसमें, इस लाइन में? नहीं सर। ठीक है। अब बात है कि मैं 31 सीट को ऐड नहीं करूंगा, क्योंकि जब फाइल क्रिएट होती है तो पहले से 2-3 सीट होते हैं, अब 3 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, इसका कोई फिक्स नहीं है। तो हमें यहां पे लिखना है सीट्स डॉट ऐड, सीट्स डॉट ऐड, और यहां पे बिफोर आफ्टर छोड़ दीजिए, सबसे लास्ट में आता है काउंट। तो काउंट में अगर मैं डी दे दिया तो 31 काउंट कर देगा, मतलब 31 और प्लस पहले से 1 या 3 होगा तो उतना पहले रहेगा, लेकिन नहीं, मुझे टोटल एग्जैक्ट सीट 31 ही होने चाहिए। पहले से भी ऐड है तो भी हमें उतना ही ऐड करना है ताकि सीट की काउंट 31 पूर जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, डी माइनस सीट्स डॉट काउंट, जो कि लास्ट क्लास में बताया था आपको कि सीट काउंट क्या करता है, काउंट निकालता है। ओके, समझ गए? अब जी सर। इसको क्या होगा, अब मैं इसको रन करूंगा, एक बार मैं इसको रन करता हूं फिर देखता हूं कैसे क्या होता है। टाइम ले रहा है क्योंकि वो 31 शीट को ऐड कर रहा है। ठीक है, हो गया। अब जी मैं एक बार किसी एक फाइल को ओपन करता हूं, जैसे मान लीजिए मैं जनवरी को ही ओपन करता हूं, देव ठीक है, देखिए टोटल 31 शीट है ना इसमें, और मैं फॉर्मूला लगाऊं शीट्स का, 31 शीट आ रहा है। एक कोड समझ में आ गया आप लोगों को। अब इसमें एक तो हमारा काम हो गया, अब अगला काम है कि मुझे इसमें जितने भी सीट ऐड हुए हैं उसका नाम 1 से लेके 31 तक सीक्वेंस में रिनेम करना है। बात समझे? हेलो, जी सर, जी सर। तो कैसे करें, तो एक पर्टिकुलर सीट का नेम चेंज करने के लिए आप यहां पे लिख देंगे कि sheet1 = name = 1 कर दीजिए। अब इसको कॉपी पेस्ट 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 ऐसे कर सकते हैं, अगर लूप यूज ना करते हैं तो, यहां पे 2, यहां पे 3, यहां पे 4, और ऐसे यहां पे 4 4 करेंगे। अब प्रॉब्लम है किसी में 28 है, किसी में 31 है, तो कैसे करें? इसके लिए हम एक और इसमें लूप लगा सकते हैं, और जे, अभी आई नहीं दे सकता क्योंकि आई ऑलरेडी यूज है, तो J = हमने बोला 1 2 चले डी, डी मतलब कि डी इतना ही तो सीट काउंट हो रहा है, जो नंबर ऑफ डेज है उतना ही सीट इंसर्ट हो रहा है। फिर हमने यहां पे बोला कि सीट्स,
अब जैसे कि यहाँ पे जे 1 2 3 4 5 वन बाई वन इंक्रीज होता है ना, जैसे यहाँ पे हमने यूज कर रखा है ऐसे, इसमें जे होगा तो जे सीट का नेम जो है जे रख दे, और यहाँ पे नेक्स्ट जे, बस जी सिंपल सा कोड हमने किया हुआ है। अब बोलो जैसे इसका बेनिफिट मैंने कैसी वर्क कर रहा है, जैसे मेरे देखिए इस पर 5 सीट है ना, मुझे 1 से लेकर 5 तक करना है, इसको मैं एक अलग बनाता हूँ, फिर 4, फिर यहाँ पे सब्जेक्ट मैं यहाँ पे देता हूँ कि 4 i = या j कर देता हूँ, i छोड़ देता हूँ कन्फ्यूज ना हो, इसलिए j = 1 2 seats.count। कितना बार लूप चलेगा हमें नहीं पता, हमने बोला कि सीट की काउंट ले ले, जैसे कि यहां पे हमने बोला कि नंबर ऑफ डेज जो है वो कैलकुलेट हुआ है, ऐसे यहां पे हमने सीट डॉट काउंट्स लिए हुए हैं, और फिर हमने बोला कि सीट्स जे डॉट नेम इक्वल टू जे। अब यहां पे सीट जे को लिया, आपको बताया था सीट को हम कैप्चर एंड प्रॉपर्टी दोनों नेम से चल सकते हैं यहाँ पे, और सीक्वेंस नंबर से तो पहले को पहले पोजीशन, दूसरा पोजीशन, तीसरा पोजीशन, ऐसा चलेगा। तो इसको एक बार रन करके देख लीजिए, तो RR2 that open, ठीक है, हो गया नेम सीक्वेंसली, यहां भी आपका सीक्वेंसली नेम यहां भी हो जाएगा। तो अब मैं इस माइक्रो को एक बार रन करता हूं और फिर इसका आउटपुट, ओके माफ कीजिएगा, मैंने इसको पहले सीट को डिलीट नहीं किया है, तो सीट डिलीट करने का भी कोड होता है किल, वो आपको आगे क्लास में बताऊंगा, फिलहाल इसको रहने दीजिए। तो इसको हम यहाँ से ओके अब इसकी किसी एक फाइल को हम ओपन करते हैं, जैसे मान लीजिए मैं जुलाई को ही ओपन करता हूं, देख रहे हैं नंबर में आगे, ठीक है सर। अब बताइए किसी को इस कोड में कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। जैसे मान लो अगर ये स्ट्रीट को हमने तो 1 2 3 4 से रिनेम कर दिया, अगर उसको नाम करना होगा, फिर क्या नाम देना चाहते हैं आप? मान लो कि मैंने कुछ भी नाम रैंडम नाम उठा लिया। तो रेंडर नाम तो कोई एक नाम से एक ही सीट बनाओगे ना, तो 25 हाँ क्या कॉल करना पड़ेगा ना यहाँ पे नाम, उस नाम को जैसे डेटा 1 डेटा 2 डेटा 3 ऐसा करना है, तो आप यहाँ ओके पहले डेटा और इसके साथ कर दीजिए 1 2 3, ठीक है, और आपके साथ सर, के नेम कहीं रेंज में पड़े हैं तो उसको भी ले सकते हैं, तो वो तो आगे क्लास क्लास में हम कर लेंगे, रिनेम करना कोई बिग जॉब नहीं है ना। हेलो सुजीत सर, हेलो बोलिए, सुन रहा हूँ। सुजीत सर, ये जो आपने जो पी आर जो पहला है उसमें मतलब क्या कर रहा है, मुझे समझ नहीं आई। जो एक मिनट, एक कहावत आपने सुना पहला, आपने ठीक जो पी है आर का कोड PR1 का कोड लिखा, इसका क्या मतलब, क्या कर रहे हैं आप इसका? सर, ये आपके देखे कहावत याद आ रही है मुझे, नीरज ना सर, बीच में ज्वाइन करेंगे तो यही होगा सर, क्या कह रहे सर? अरे बीच में ज्वाइन करेंगे तो यही होगा। सर वो लेट हो गया था थोड़ा सा मैं। ओके बीर सिंह जी, आप समझाइए इनको कि क्या कर रहा है कोड, ताकि मैं भी समझ, आपने क्या समझाया? ओके सर, हाँ सर बताइए, आपकी दोबारा एक बार क्वेरी बताइए।
नीरज जी को ये पता नहीं चल रहा है कि कोड कर क्या रहा है। कौन सा कोड ऊपर? हाँ पीआर वाले जो हम ऊपर हमने 4i लिखा हुआ है राइट है। हाँ कोड कि क्या चीज का मैक्रो है बोला पहला क्या है कि हमने एक लूप बना दिया यहाँ पे जो अगर हम वर्कबुक ऐड करेंगे तो जो आप समझाने दें मैं समझाता हूँ। नीरज जी क्या है हमें एक माइक्रो बनानी है जो कि 365 सीट बनाएगा। कितना बनाएगा? 365 सीट। 365 सीट साल के। लेकिन 365 सीट को मंथ वाइज हमें अलग अलग फोल्डर में रखने हैं। जैसे कि जनवरी में 31 सीट, फरवरी में 29, मंथ के डेट के हिसाब से। तो यही किया सबसे पहले हमने 12 फाइलें क्रिएट की है यहाँ पे। ठीक है और उस 12 फाइल के अंदर हम पहले निकालें जिस महीने के क्योंकि ये सीक्वेंसी 1 2 3 4 आई जो है ना ये चलेगा 1 2 3 4 5 6। तो पहले में क्या किया हमने मंथ नेम से उसका जनवरी फरवरी निकाल लिया, फाइल नेम दे दिया और उसी से यहाँ पे मैं डेट बना दिया कि 1 जैन 2020 और ईओ मंथ क्या करेगा कि इस डेट का लास्ट डेट निकाल देगा और इस लास्ट डेट का डे 31 28 29 निकाल के डे डी पे स्टोर कर देगा और फिर हम ऐड कर देंगे और फिर उसको वन बाय वन रिनेम कर देंगे। अच्छा आपने डी में सारी वैल्यू मतलब ये डाल दिया कि डी में सारा ये आ जाए मंथ। डी में मैंने डाल दिया कि उस महीना जिस महीने की फाइल बनी है जो फाइल सेव हुई है ना उस महीने कितने नंबर ऑफ डेज है। ठीक है और फिर हमने उतने ही सीट ऐड कर लिए यहाँ पे। सीट ऐड में मैंने काउंट दिया हुआ है, काउंट मतलब कि आप 5 दूंगा तो 5 सीट ऐड हुआ। तो हमने बोला डी माइनस सीट डॉट काउंट मतलब कि 31 माइनस पहले से जितना सीट है उतना कम सीट ऐड करें। ओके ठीक है ओके और फिर यहाँ पे हमने इसका सीट को रिनेम कर दिया। आप लोग को देखिए अभी तक मैंने आपकी 4-5 क्लासेस ली इसकी रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा नीरज जी तो आपको सही अच्छे तरह से समझ में आ जाएगा। हाँ सर मेरी रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा मेरे आईडी पे। अब इसमें आप लोगों को वो पेन पेंसिल उठाइए एक एक प्रोजेक्ट एक प्रोजेक्ट आप बनाइए समझे। ठीक है सबसे पहले अच्छा सर ये क्या बोल रहे हेलो एक मिनट मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए प्लीज। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि मेरे पास एक फाइल है उस फाइल में 30 31 32 50 60 100 200 ऐसे सीट्स हैं कितना भी हो सकता है नो डाउट। अब इसको रेफरेंस में लेते हुए और लास्ट क्लास को रेफरेंस में लेते हुए आपको बनाना ही है कि जितने भी फाइल है उसके अंदर आप छोटे छोटे डेटा भी रख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। सीट के अंदर डेटा भी रख दीजिएगा कुछ छोटा सैंपल जैसे 31 सीट है मान लीजिए तो इसमें हो सकता है कि बीच बीच में कुछ कुछ डेटा रख दीजिए छोटा छोटा। इन सबों डेटा को मुझे अलग अलग सीट पे रखना है अलग अलग फाइल बनाना है मुझे अलग अलग फाइल बनानी है मतलब कि मुझे एक फोल्डर में 31 सीट 31 फाइल चाहिए इन सीटों को अलग अलग फाइल में डालना है। समझ गया क्या बोल रहे हैं सर कि एक फोल्डर में मुझे सिंपल सी बात समझिए ना सर कि मुझे इस सीट टू को मेल करना मान लीजिए सीट टू पे डेटा रखा हुआ है मुझे सीट टू को मेल करना है तो मैं सीट टू तो सिर्फ मेल नहीं कर पाऊंगा ना सर मेल तो पूरी फाइल होती है तो मुझे इसमें इसमें से इसको कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा ना इसको जी। तो हम इसको राइट क्लिक करके मूव एंड कॉपी कर देंगे और क्रिएट कॉपी और यहाँ पे न्यू बुक लेंगे एक नया फाइल में आ जाएगा फिर इस फाइल को सेव कर लेंगे। यही काम आपको वीवीएस से हर सीट के लिए करना है। ओके सर समझ गए जी। मतलब आप ये बोल रहे हो सर कि आप जैसे मान लो जनवरी है जनवरी के फोल्डर में 31 फाइल है जनवरी फरवरी मत जाइए बस फाइल है उसके अंदर सीट्स है जितना कितना भी हो सकता है सारे कोई मतलब नहीं सारे सीट्स को फाइल में कन्वर्ट करना है। हाँ सारे सीट को फाइल में कन्वर्ट करना है बस। ठीक है सर मान लीजिए फाइल के ऊपर कोड डाला हुआ है तो जैसे 12 नंबर का कोड मुझे 12 नंबर वाले कस्टमर को भेजना है। समझ गए
तो अलग बन जाएगी, तो फिर मैं अटैचमेंट कर पाऊंगा इसलिए। और सी उस फाइल का नाम उसके सीट के नाम से होगा, समझे? ओके। फाइल का नेम उसी, अब सीट का नाम जरूरी नहीं कि 11, 12, 13 होगा, यहाँ कुछ भी हो सकता है, डेटा वन भी हो सकता है, समरी भी हो सकता है, जैन भी हो सकता है, दिल्ली भी हो सकता है, अलग अलग नाम हो सकते हैं, सिटी वाइज नेम हो सकते हैं, या कस्टमर का नाम है तो कस्टमर के नाम से ही वो फाइल होना चाहिए, कस्टमर के नाम से होगा, तो जो सीट का नेम है उसी सीट का नाम का फाइल होना चाहिए, फाइल होना। जी सब लोग को समझ में आ गया? आप जो सीट 1, 2, 3, 5, 6 जो सीट है वो डेटा कॉपी करके एक नया वर्कबुक बना के उसको सेव करना। हाँ, इसी को मूव कर दीजिए, कॉपी करके डाल दीजिए या मूव कर दीजिए, बात बराबर है। ठीक है, समझ गया। वो एक फोल्डर में जाके इसमें जो चीज चाहिए वो सारा कोड मैं आपको सिखा रहा हूँ। मैंने फाइल करना, फाइल सेव करना सिखा रखा है, सीट को मूव करना सिखा रखा है, ठीक है, कितने सीट्स हैं उसको काउंट करना सिखा रखे हैं, सीट का नाम क्या है वो निकालना सिखा रखा है। तो लूप, जो कि मान लीजिए कि लूप में डालोगे तो लूप भी मैंने आज सिखा दिया है, इसी में कंसीडर होगा, क्योंकि एक एक कोड हर किसी के लिए नहीं लिखोगे आप, एक ही को लिखोगे और अलग अलग कर लोगे आप, लूप में डालोगे इसको आप। तो पहले आप कोड बनाइएगा एक के लिए, फिर उसको लूप में डाल दीजिए। ओके सर, क्लियर है? जी सर। तो इसके सर, इसके रिकॉर्ड सीट डिलीट करने के लिए बाद में बताएंगे सर। क्या सीट? एक साथ कई सीट को डिलीट करना है, सिर्फ एक को छोड़कर। लास्ट क्लास में तो बताया था ना सीट को ऐड करने के लिए, एरे के सीट्स में एरे के साथ सेलेक्ट करके उसको हम। नहीं सर, जैसे अभी मान लीजिए सर अगर 8-10 सीटें हैं तो लूप के थ्रू कैसे डिलीट होगी? तो लूप करके जरूरत, लूप, हां जैसे यहां पे सीट डॉट नेम हुआ है, सीट डॉट डिलीट, सीट डॉट नेम है, डिलीट हो जाएगा यहां पे। अच्छा, सीट डॉट डिलीट हो जाएगा। ओके, ठीक है, जैसे यहाँ पे नेम सामने ऐसे डिलीट हो जाएगा। समझ गया सर। सर ओके, बाय, गुड नाइट। गुड नाइट सर। सर गुड नाइट।